आईपीएल की शुरुआत में हार से सीख लेते हुए बेंगलोर ने पहले चेन्नई सुपर किंग्स और फिर केकेआर के सामने जिस तरह का खेल दिखाया वो कमाल का था। खासतौर पर जिस तरह से केकेआर के सामने मिस्टर 360 डिविलियर्स ने बल्लेबाजी की, उसने सभी क्रिकेट फैंस का दिल जीत लिया। मैच के बाद कोहली ने भी डिविलियर्स की बल्लेबाजी की खूब तारीफ करते हुए कहा कि ये बहुत मजबूत टीम के खिलाफ शानदार जीत है। अब हमारे लिए ये सप्ताह काफ़ी व्यस्त रहेगा, इसकी शुरुआत काफ़ी अच्छी तरह से करना अहम था। क्रिस मॉरिस के आने से गेंदबाजी इकाई अब ज़्यादा घातक दिख रही है। कोहली ने कहा कि हम इस स्कोर से खुश थे, पिच सूखी थी और दिन अच्छा था तो हमने सोचा ओस नहीं होगी। इस दौरान कोहली ने डिविलियर्स को सुपर ह्यूमन बताते हुए कहा कि उन्हें छोड़कर हर बल्लेबाज को परेशानी हुई। कोहली ने कहा कि टीम 165 रन के करीब स्कोर बनाने की सोच रही थी, लेकिन डिविलियर्स की बल्लेबाजी के कारण हम 195 रन का लक्ष्य दे सके। ये पारी अविश्वसनीय थी, मुझे लगा कि मैंने कुछ ही गेंदें खेली हैं और मैं भी शायद स्ट्राइक करना शुरू कर दूंगा, लेकिन डिविलियर्स आए और उन्होंने तीसरी गेंद से ही रन बनाने शुरू कर दिए। इसके बाद कोहली ने कहा कि मैंने कहा कि आप भले ही अन्य मैचों में कई लोगों को अच्छी पारियां खेलते देखोगे, लेकिन एबी ही है जो ऐसा कर सकता है जो उसने किया। ये लाजवाब पारी थी, मैं खुश था कि हम इतनी अच्छी साझेदारी बना सके और मैं उसकी पारी को देखने के लिए सबसे अच्छी जगह पर था। आपको बता दें कि कोहली और डिविलियर्स के बीच 100 रनों की पार्टनरशिप हुई थी, जिसके दम पर बेंगलोर का स्कोर 190 के पार पहुंचा। तो वहीं कप्तान कोहली के अलावा एक और भारतीय खिलाड़ी डिविलियर्स की इस पारी का फैन हो गया। उसका नाम है केकेआर के कप्तान दिनेश कार्तिक। डिविलियर्स की इस पारी को देखकर कार्तिक ने कहा कि एबी बेहतरीन खिलाड़ी है, उसे रोकना मुश्किल है, उसने ही दोनों टीमों के बीच अंतर पैदा किया। हमने सब कुछ करने की कोशिश की, सिर्फ इनस्विंग होती यॉर्कर ही उसे रोक पा रही थी, वरना सभी गेंदें बाहर जा रही थी। कार्तिक ने कहा कि हमें कुछ चीज़ें बेहतर करने की ज़रूरत है, भले ही हम उन्हें 175 रन पर रोक देते लेकिन हमें बल्लेबाजी को बेहतर करना होगा। तो आपने सुना कि दिनेश कार्तिक भी एबी डिविलियर्स की इस बल्लेबाजी को देखकर हैरान थे, क्योंकि दिनेश कार्तिक केकेआर के कप्तान थे तो उस वक्त दिनेश कार्तिक ने एबी डिविलियर्स को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन डिविलियर्स के बल्ले को नहीं रोक पाए। आपको बता दें कि अपनी इस पारी पर खुद डिविलियर्स को भी यकीन नहीं हो रहा। मैच के बाद उन्होंने कहा कि मैं अपने प्रदर्शन से खुश हूं। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि मैं पिछले मैच में 0 पर आउट हो गया था, वो बहुत खराब एहसास था। मैं योगदान करके अब खुश हूं। ईमानदारी से कहूं तो मैं भी खुद से हैरान था। हम 140-150 की ओर बढ़ रहे थे और मुझे लगा कि 160-165 तक की कोशिश कर सकता हूं, लेकिन 195 रन पर पहुंचकर हैरानी हुई। तो दोस्तों, आपका डिविलियर्स की इस बल्लेबाजी पर क्या कहना है? साथ ही आप हमें ये भी बताएं कि क्या इस बार बेंगलोर जीत की हकदार है, क्योंकि जिस तरह से बेंगलोर की टीम लगातार अच्छा खेल रही है, कह सकते हैं कि इस बार आईपीएल में कोई नया चैंपियन मिल सकता है।